पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी मीसा भारती को उतारने जा रही है। इस सीट से टिकट के दावेदार माने जा रहे आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव ने बयान दिया है। उनका कहना है कि भाई बहन को लेकर पेंच फंसा है, बड़ी बहन को इस पर फैसला करना है। वहीं उनके बयान पर सियासी वार पलटवार भी चल पड़ा है। भाई बहन के लार प्यार मोहब्बत के फेर में पाटलिपुत्र फंसा हुआ है। बहन चाह रहा है कि भाई डिसीजन ले और भाई चाह रहा है कि बहन डिसीजन ले। अधिकार बड़ी बहन है, अधिकार उन्हीं का डिसीजन लेने का। उनका डिसीजन मेरा डिसीजन होगा। आप साथ रहिएगा मजबूती से। तो बोले कि उनका डिसीजन मेरा डिसीजन होगा, इसके बाद तीसरा कोई नहीं है इसमें। भाई बहन के लाल प्यार में अगर टिकट फंस गया तो जानते नहीं थे कि भाई बहन अब परिवार का तो पार्टी है। अब बताइए, जिसके पास इतना अच्छा काला गाड़ी हो, काला शीशा हो, कमांडो हो, यश हो, लगातार दौरा रहा हो, विधान परिषद के पंचायती राज के चुनाव में टिकट काट दिया गया हो, उसके बावजूद अगर लोकसभा का टिकट नहीं मिलता है तो उपाय नहीं है। हम सब जानते हैं कि सबसे पवित्र रिश्ता धरती पे कोई है तो वो भाई और बहन का है। और हमेशा से ये रहा है कि बहन जब भी किसी चीज की इच्छा व्यक्त की है तब भाई ने उस इच्छा को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। तो जब भाई बहन का प्यार हो तो हमेशा भाइयों ने अपने बहन के लिए बड़ा से बड़ा त्याग और बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी है और अपने त्याग और कुर्बानी को भाई सौभाग्य समझता है। जो आरजेडी है वो कोई पार्टी नहीं है, वो परिवार का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो वहाँ पे कभी जो एमडी बनाए जाते हैं तत्काल में, कभी फादर एमडी हो जाते हैं, कभी फादर चेयरमैन हो जाते हैं, कभी तेजस्वी जी एमडी हो जाते हैं, कभी मीसा जी चेयरमैन हो जाती हैं, तो वो पार्टी कभी भी भाई बहन बेटा बहू से बाहर निकल ही नहीं सकता है। तो रीतलाल जी ने जो कहा है वो भाई बहन का प्यार नहीं, वो परिवारवाद का प्यार है। वो परिवारवाद के मुँह से